दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोमेंट बायोलॉजी पर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू से पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थ्योरी करवाई थी प्लस एन अंडरलाइन करवाए थे और उसके डायग्राम्स को बताए थे फिर उसके बाद हम लोगों ने एम भी किए थे और आज भी हम लोग इसी प्रकार पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद फिर हम लोग उसके डायग्राम्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग एम सी क्यूज कम्प्लीट करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टड विधाउट कनेक्टिव टिश्यू एंड यस आज के लेक्चर में आपको एपीथीलियल और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी मिलने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल तो एक कनेक्टिव टिश्यू हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम की बॉडी में बहुत अबंडली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कहता है दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गेन ऑफ द बॉडी तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है क्योंकि उनका एक मेजर फंक्शन है कि वो टिश्यूज और ऑर्गन्स को लिंक करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं इसीलिए उस उसके स्पेशल फीचर्स को देख के उनका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है इट इज़ ऑल इट इज सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट है दे दे फ्राम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप ये कनेक्टिव टिश्यू के सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होता है स्पेशलाइज टाइप भी होता है विच इंक्लूड कार्टिलेज बोन्स एडिपोज एंड ब्लड इसमें कार्टिलेज बोन्स एडिपोज और ब्लड आते हैं इन ऑल इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड ब्लड को छोड़ के द सेल सेक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन ब्लड को छोड़ के जो भी कनेक्टिव टिश्यू बचता है

दिस सेल ऑल्सो सक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसक्राइड ये जो सेल्स uh, हैं वो uh, वो मॉडिफाइड पॉलीसैक्राइड को भी सक्रीट करते हैं विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स जो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में पाया जाता है और उनका मेजर फंक्शन क्या होता है एंड एक्स एज अ मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की तरह या ग्राउंड सब्सटांस जिसको कहते हैं उसकी तरह बिहेव करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप अब कनेक्टिव टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं कौन कौन से तो लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेश कनेक्टिव टिश्यूज़ सो लेट्स गेट विथ लूज कनेक्टिव टिशू लूज कनेक्टिव टिशू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेन्ज इन सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटांस लूज कनेक्टिव टिशू नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लूजली कनेक्ट अरेंज्ड uh, होंगे किस में अरेंज होंगे सेमी फ्लूड राउंड सब्सटेंस में अरेंज्ड होंगे इसके एग्जांपल्स क्या हैं इसके एग्जांपल्स हैं एरियोलर टिशू फॉर एग्जांपल एरियोलर टिशू प्रेजेंट विन इथ द स्किन जो एरियोलर टिशू होता है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ऑफन इट्स ट्रेन वर्क ऑफ एपिथीलियम ऑफकोर्स वो स्किन के नीचे प्रेजेंट है तो वो स्किन के वो एपिथीलियम को प्रोटेक्ट करेगा ही नेक्स्ट चलते हैं इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफाजस एंड मास सेल तो ये फोर्थ पॉइंट एडिपोज टिश्यू इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इतना तक हम लोगों ने लूज कनेक्टेड टिश्यू देखा एरियोलर टिश्यू देखा अब हम लोग देखेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में एडिपोज टिश्यू इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू ये इस, इस वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा लोकेटेड मेनली बिनि द स्किन और ये भी स्किन के नीचे ही पाया जाता है बिनि द स्किन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट अब इसका मेजर फंक्शन क्या है तो ये फैट्स को स्टोर करती है इसका मेजर फंक्शन क्या था ये सपोर्ट ट्रेन वर्क करती थी हम लोग को हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग को दिमाग में बैठे अब नेक्स्ट चलते हैं The excess nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue। जो excess nutrient होता है जो immediately यूज़ नहीं होता है उसको fat में convert करके इसी एडिपोज टिशू में स्टोर करके रखा जाता है चलिए हम लोग फिर से इसी पैराग्राफ को दोहराते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स एंड फाइबर्स तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज के पास क्या है? सेल्स और फाइबर्स Uh, जो कैसे अरेंज हैं वो लूजली अरेंजड हैं किस में अरेंज है सेमी फ्लोइड ब्राउन सबस्टांस में अरेंजड हैं अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं इसके एग्जांपल्स हैं एरियोलर टिश्यू एंड एरिपोज टिश्यू फर्स्ट वे विल लुक फॉर एरियोलर टिश्य एरियोलर टिजेंट बिनिथ द स्किन ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपीथीलियम ये एपीथीलियम को सपोर्ट करते हैं इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफाजस मास सेल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है वाई आई विल शो यू लेटर इन द वीडियो एडिपोज टिश्यूज अब एरियोले खत्म हुआ अब नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू है एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बिन द स्किन ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है द स्किन ऑफ दिस टिशू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट ये किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है ये फ़ैट को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड है द एक्सेस ऑफ न्यूट्रियट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इन टू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यूज जो न्यूट्रियट इमीडिएटली यूज नहीं होती है उसे फैट में कन्वर्ट किया जाता है और इसी टिश्यू में स्टोर करके रखा जाता है किस टिश्यू में एडिपोज टिश्यू में नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिशू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिशू जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उसको कंपैक्टली पैक करके वो डेंस कनेक्टिव टिशू फॉर्म करते हैं फिर से फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिशू ओके ओरिएटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल डेंस रेगुलर डेंस इज रेगुलर अब डेंस कनेक्टिव टिशू के दो प्रकार होते हैं एक ये एक ये तो कैसे होते हैं ओरियंटेशन ऑफ फाइबर फाइबर के ओरिएंटेशन से पता लगाया जाता है कि वो डेंस रेगुलर है या डेंस इज रेगुलर है इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिशू द कोलार्ज एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो डेंस रेगुलर होते हैं वो कोलाजन फाइव कोलाजन फाइबर्स वो रोज़ में प्रेजेंट होते हैं रोज़ में प्रेजेंट होते हैं और उनके uh, और पैरल बिटवीन द पैरल बंडल्स और पैरल बंडल्स के बीच में फिर से समझते हैं जो डेंस रेगुलर होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज़ ये कोलाज़न फाइबर रोज में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ़ फाइबर्स पैरेलल बंडल्स फ़ाइबर के पैरेलल बंडल्स के बीच में तो ये हो गया नेक्स्ट इसके एग्जांपल हैं टेंडन टेंडन विच अटैच स्केल्टल मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट टेंडन जो होता है वो स्केल्टल मसल को बोन से अटैच करता है और लिगामेंट जो होता है वो बोन्स टू बोन्स से अटैच करता है लिगामेंट विद विच अटैच वन बोन टू अनदर फॉर एग्जाम आई एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज ये डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल्स हैं क्या टेंडन और लिगामेंट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेंस इज रेगुलर में डेंस इजरेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टे शूज़ आई फाइ आज फाइब्रो ब्लास्ट इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड मेनी फाइबर्स और इसमें फाइब्रोब्लास्ट के साथ बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलाजन होते हैं डैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली और इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है जैसे कि ये डेंस इ डेंस रेगुलर की तरह अच्छे तरह से ये ट नहीं होता है रो में बिटवीन पैल बंडल्स में ये इरेगुलरली ऐसे कैसे भी करके इसका अरेंजमेंट होता है बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट होता है दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्किन में प्रेजेंट होता है ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं जैसा कि इस डाइग्राम में दिख रहा है कि ये डेंस रेगुलर है ये डेंस ये एक डेंस रेगुलर है और इसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलरली है बिटवीन पैरेलल और ये नेक्स्ट जो है ये हम लोग को शो कर रहा है डेंस इज रेगुलर और इसमें जो फाइबर्स के ओरिएंटेशंस होते हैं वो इज रेगुलर शेप में कैसे भी हैं सो so, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्किन में प्रेजेंट होता है और जो डेंस रेगुलर था वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में प्रेजेंट होता है टी एल टी एल में प्रेजेंट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्किन में प्रेजेंट होता है अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्टिलेज कार्टी कार्टिलेज है कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड्स और वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज होता है ब्लड होता है और बोन्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कैसे तो चलते हैं कार्टिलेज के बारे में पहले पढ़ने के लिए तो कार्टिलेज द इंटरसाइलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल जो कार्टिलेज के इंटरसाइलर मटीरियल होते हैं वो होते हैं सॉलिड एंड प्लाइबल प्लाइबल का मतलब होता है लचीला मीन्स इधर मतलब मूव कर सकता है थोड़ा सा एंड रेजिस्ट कंप्रेशन और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि ये सॉलिड होते हैं फ्लाइबल होते हैं और कंप्रेशन रेजिस्ट करते हैं सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जिसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कार्टिलेज uh, के सेल्स कार्टिलेज टिश्यू के सेल्स uh, को क्या कहा जाता है या किससे वो बनते हैं कार्टिलेज तो वो बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट से आर इनक्लोज कैविटीज विद इन द मैट्रिक्रीटेड बाई दैम ये एक स्मॉल कैविटीज में बंधे होते हैं जिसमें मैट्रिक्स होता है जो इन्हीं के द्वारा सक्रिएट किया जाता है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन दिन द इन वर्टिब्रेट एमबरीस बोन्स इन एडल्टे भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन uh, बनता है यहाँ से तो क्या बोल रहा है कि जो वर्टिब्रेट एमरियोज में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जब ये एम्बरीओज uh, एडल्ट बन जाते हैं तो इनके कार्टिलेज जो होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आप फिर से पढ़िए मोस्ट ऑफ़ द कार्टिलेज इन वर्टिप्लेट एमबरीओस आर प्लेस बाई एडल्ट्स अब नेक्स्ट चलते हैं कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज

तो इतना में हम लोगों ने समझा कि कार्टिलेज क्या होता है तो शॉर्ट में हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कार्टिलेज जो इंटरसाइडर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड प्लाइबल रेजिस्ट कंप्रेशन इसका ये फीचर होता है जो कार्टिलेज के टिश्यूज होते हैं जिससे वो बनता है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइड्स कहते हैं आई इंक्लोज इन द स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स बाई देम जो कि एक स्मॉल कैविटी में क्लोज होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है और ये सक्रिय इन्हीं के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिबलेट एमज्रीओ आई प्लेस बाई बोन्स इन द एडल्ट जो वर्टिब्लेट एमज्री ओज होते हैं उनमें जो कार्टिलेज होता है वो बाद में चल वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में बोन्स का फॉर्म ले लेता है नेक्स्ट चलते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज आउटर ईयर ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स एट इन द वर्टी बिलकॉलम लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द एडल्ट्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बोन्स के बारे में बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटांस बोन्स तो आप जानते हैं कि वो प्लाइबल नहीं होता है मतलब वो नचीला नहीं होता एकदम स्टिक की तरह होता है हार्ड होता है और ग्राउंड सब्सटांस होता है ठीक है रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन जिसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट और कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ जो बोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है शक्ति देता है ताकत देता है कि वो हमारे बॉडी के जस्चर को मेंटेन कर सके इट्स इट इज़ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी एज आई कि ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है नेक्स्ट चलते हैं बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गेन बोन्स हमारे सॉफ्टर टिश्यूज़ और ऑर्गेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं जैसे कि हमारा हर्ट जो केज में बंद हो चुका है मतलब कि एक जेल की तरह फॉर एग्जांपल द बोन सेल्स बोन सेल्स जो होते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते, है, space, कहते हैं इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल लैक्यूने वो एक स्पेस फ्री स्पेस या स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं इसको लैक्यूने कहते हैं लिम बोन एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स वेट बेयरिंग फंक्शंस जो हमारा लॉन्ग बोन्स होता है जो लेग्स में पाया जाता है वो हमारे पूरे बॉडी का वेट उठाता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट बेयरिंग फंक्शंस यहाँ लिखा है दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केल्टल मसल अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ये स्केल्टल मस मसल से अटैच होते हैं जो कि हमारे मूवमेंट को और ईजी uh, कर देता है द बोन मैरो इन सम बोन्स इज़ अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल मतलब जो बोन मैरोज होते हैं जो कि कुछ बोन्स में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट हम लोग फिर से इसी को रि रिवाइज करते हैं ओके बोन्स हैव अ हार्ड एंड प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाज फाइबर विच गिव बोन इज स्ट्रेंथ तो बोन एक हार्ड एंड नॉन फ्लाएबल ग्राउंड सब्सटांस है जो कि कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाज फाइबर में रिच होता है विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ जो बोन को स्ट्रेंथ देता है इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी और ये एक uh, बहुत मेजर टिश्यू है मेन टिश्यू है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है बोन सपोर्ट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन बोन जो होता है वो सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देता है द बोन सेल्स और जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं वो आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल लैक्यूने जो बोन सेल्स होता है वो एक स्पेस में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग लैक्यूने है कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लिम बोन्स एट लिम बोन्स जेज लॉन्ग बोन्स इन द लेग्स सर्व्स एज अ वेट बेयरिंग फंक्शंस दे आल्सो इंटरैक्ट विद केल्टल मसल्स अटैच टू देम जो लॉन्ग बोन होता है हमारे बॉडी का वो हमारे लिए वेट बेयरिंग फंक्शन करता है दे दे ऑल्सो इंटरक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्लड पे ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है कंटेनिंग प्लाज्मा आर डी सी रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स तो ब्लड क्या है ब्लड एक लुइड कनेक्टिव टिश्यू ये भी एक लूड कनेक्टिव टिश्यू है जो किसके अंदर आता है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है जिसके अंदर क्या होता है प्लाज्मा होती है आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स इट इज़ अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टांस ये इसका मेजर फंक्शन क्या है इसका सबसे मेजर फंक्शन ये है कि ये एक मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूड है यहाँ से बहुत सारे चीज़ें जैसे गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन्स न्यूट्री मिनरल्स ये सभी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह इसलिए यहाँ पे वेरियस सब्सटेंस लिखा है विद दिस वी एंड टू द टॉपिक ऑफ़ कनेक्टिव टिश्यूज है वी हैव डन ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यूज डेंस कनेक्टिव टिश्यूज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज एंड एंड इट्स सब टॉपिक्स सो लेट एस मूव विद द MCQs सी क्यूज एंड ऑल्सो विद डाइग्राम्स सो नेक्स्ट वी विल डू दियर डाइग्राम्स लाइक बोन्स कार्टेज सो लेट्स डू इट तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम्स करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये डायग्राम्स को छोड़ दिया था तो इस लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे तो सबसे पहले आता है सिंपल एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम में ये फ्लैट एंड सेल है जिसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग स्कॉमर्स कहेंगे स्क्ॉमर्श क्यों कहेंगे क्योंकि ये थिन 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 विथ इरेगुलर बाउंड्रीज वाला सेल है जो टाइल लाइक -like होता है इसीलिए हम लोग इसको स्कॉमर्स कहेंगे स्क्वायर टाइप का इसलिए कहेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्यूब लाइक सेल्स क्यूब लाइक सेल्स को हम लोग ने क्या, क्या था? कहा था क्यूब कहा था नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉलियमार टिश्यूज़ में कॉलमार टिश्यू जिसमें सिंगल सेल्स ही पाए जाते हैं और ये एक्सिलिएटेड जिलिएटेड टिश्यू है और इसमें भी सिंगल सेल uh, ही पाए जाते हैं क्योंकि ये सिंपल एपिथीलियम में आते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथीलियम में तो ये है एक ग्लैंडुलर एपिथीलियम का यूनी एपिथीलियम, एपीथीली यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम और ये पाया जाता है एबलेट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में क्योंकि यूनीलुलर है और ये एक मल्टी सेलूलर ग्लैंड है ये कहाँ पाया जाता है ये सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है और ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होता है और ये सेलैबरी ग्लैंड में पाया जाता है नेक्स्ट चलते हैं ये कंपाउंड एपिथीलियम है कंपाउंड एपिथीलियम में जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्टेड मल्टी लेयर्ड होते हैं जो सिंपल एपिथीलियम होता है उनमें सिंगल लेयर थे ये मल्टी लेयर्ड होते हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या था प्रोटेक्शन था नेक्स्ट चलते हैं अब आता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यूज तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिशू ये एक एरियोलर टिशू है ये ये क्या है ये एक मैक्रोफाज है ये एक फ़ाइब्रोब्लास्ट है ये ये एक कोलाजन फाइबर है और ये एक मास सेल है ये एक एरियोलर टिशू है एरियोलर टिशू कहाँ पाया गया था एरियोलर टिशू हमारे स्किन में पाया गया था स्किन के नीचे पाया गया था जो एपिथीलियम को प्रोटेक्ट करता था नेक्स्ट चलते हैं एडिपोज टिश्यू में एडिपोज टिश्यू में ये वाला पोर्शन क्या है ये वाला पोर्शन फ़ैट स्टोरेज एरिया है ये वाला पोर्शन क्या है ये एक न्यूक्लियस है और ये क्या है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सो so, प्लीज़ इसे रिमेंबर करिए इसे याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में जल के कोई दिक्कत ना हो क्योंकि नीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले फिर से हम लोग कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं इसको फ़ैट स्टोरेज एरिया कहते हैं इसको क्या कहते हैं इस पोर्शन को इसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं इस पोर्शन को इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सो so नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में चलते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था डेंस रेगुलर एंड डेंस इज़ रेगुलर तो ये एक डेंस रेगुलर है जो पैरेलली अरेंज्ड है फाइबर्स के बीच में पैरेलली और ये रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है अब नेक्स्ट चलते हैं ये कोलाजन फाइबर्स है ये कोलाजन फाइबर है नेक्स्ट है. चलते हैं हम लोग डेंस इज रेगुलर में डेंस इज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो उसका जो ओरिएंटेशन होता है किसका फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स का ओरिएंटेशन इज रेगुलरली था मतलब कैसे भी था जैसे शैतान बच्चे होते हैं ना वो लोग का पता है कैसे भी चलता है और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका हमेशा हर चीज़ को अकॉर्डिंगली चलता है वो हर चीज़ पैरेलली कंप्लीट करते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप ऐसे भी रिवाइज कर सकते हैं या याद कर सकते हैं ये एक छोटा सा ट्रिक था

और ये कोलाजन फाइबर है सॉरी सॉरी ये कोलाजन फाइबर है नेक्स्ट चलते हैं बी क्या है बी है बोन का इसे याद रखते जाइए कि इसको बोन कहते हैं अगर सामने नहीं लिखा है डायग्राम के तो आप खुद लिख लीजिए कि उसको क्या कहते हैं और नेक्स्ट चलते हैं ब्लड के तो ब्लड में क्या क्या पाया गया था ब्लड में पाया गया था आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स प्लाज्मा तो ये क्या है ये आर के सेल हैं ये प्लेटलेट्स के सेल हैं ये डब्ल्यू के सेल हैं अब डायग्राम का पार्ट हुआ है ख़त्म अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम्स का पार्ट हो गया है ख़त्म हम लोगों ने एम प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं आपको करवाऊंगी और हुँ. हाँ तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के मैं अब एम आपको सॉल्व करवाऊँगी और हम लोगों ने अभी तक क्या किया है अभी मैंने थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की है और फिर हम लोगों ने उसके डायग्राम्स कंप्लीट किए हैं एन सी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं एम कंप्लीट करने के लिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अब एम पे चलते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है लिसन्स कैप्स्यूल इज़ अ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्स्यूल कवरिंग द अब इसके इसके नेक्स्ट इसके ही पैटर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिसन्स कैप्स्यूल इज़ इन लिसन्स कैप्स्यूल कहाँ पाए गए हैं ये बहुत बार पूछा गया है तो ये पाए गए हैं स्प्लीन में लिवर में किडनी में गोल ब्लाइडर में ये कहाँ पाए गए हैं ये लिवर में पाए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ एसोसिएटेड विद अम्बलिकल कॉर्ड जो किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है वो जो अम्बलिकल कॉर्ड के साथ एसोसिएट करता है तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू द करेक्ट आंसर इज जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज़ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सक्रीट की जाती है मास सेल रेटिकुलर सेल्स एडिपोज सेल प्लाज्मा सेल करेक्ट आंसर प्लाज्मा सेल नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द मास सेल सक्रीट द फॉलोइंग सब्सटेंस मास सेल क्या कौन सा सब्सटेंस को सक्रीट करता है ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस और रिसेंटली ये 2007 में पूछा गया था तो इसका ऑप्शनस है हेपरिन हिस्टामिन सेटॉनिन या ऑल द अबव करेक्ट आंसर ऑल द अबव नेक्स्ट चलते हैं Originating in bone marrow, circulating in blood for फॉर to टू days, migrating to connective tissues and forming macrophages is the characteristic of. इसमें तीन से चार पहले तो केसेस दिया गया है कि क्या क्या करता है या स्टेप्स के दिया गया है तो पहला है बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है फिर ब्लड में सर्कुलेट होता है कितने दिन के लिए एक से दो दिन के लिए migrating to connective tissue and forming macrophages इज a characteristic of तो इसका ऑप्शन है इजिनोफिल्स बेजोफिल्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर मोनोसाइट नेक्स्ट चलते हैं इन एलर्जिक रिएक्शन विच इज़ सक्रीटेड एलर्जिक रिएक्शन में क्या सक्रीट किया जाता है इसके नेक्स्ट इसके ही पहले ही एक सेम पैटर्न क्वेश्चन है द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को किस रिस्पॉन्स में दिखाया जाता है तो ऑप्शनस आ हिस्टामिन न्यूट्रोफिल्स बेजोफिल्स एंड एसीडोफिल्स आंसर इज हिस्टामिन नेक्स्ट चलते हैं द एरियोलर टिशू कनेक्ट्स एरियोलर टिशू क्या कनेक्ट करता है टू टिशू टू बोन्स मसल्स एंड बोन्स मसल्स एंड फैट टिश्यूज मसल्स एंड दिए कंपाउंड करेक्ट आंसर मसल एंड दिए कंपाउंड नेक्स्ट चलते हैं लिगामेंस एंड टेंडेंसा लिगामेंस एंड टेंडेंसा क्या कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिशू फाइबलस कनेक्टिव टिशू स्केल्टल टिशू बहुत सारे बच्चे कनेक्टिव टिशू को देख के करेक्ट कर देंगे पर इसका गलत आंसर है कनेक्टिव टिश्यू ही होगा इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं कोलाजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन से कलर में होते हैं वाइट येलो रेड और कलरलेस तो इसका आंसर है वाइट नेक्स्ट चलते हैं कैमल्स हम्प इज मेड अप ऑफ ये 2004 थाउजेंड फोर एंड नाइनटीन में पूछा गया था काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है बट वी शड डू दिस फॉर आर नॉलेज इसके ऑप्शन हैं स्केल्टल टिशू मस्कुलर टिशू कार्टिलेज एडिपोज टिशू करेक्ट आंसर है एडिपोज टिशू नेक्स्ट चलते हैं डाइग्राम बेस्ड क्वेश्चन स्टडी द फिगर वन एंड टू केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए बी सी रिस्पेक्टिवली विच इज़ रिलेटेड विद स्पेशाइज कनेक्टिव टिश्यू इसमें बताया गया है कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिशू किससे रिलेटेड है तो पहला फिगर हम लोग को दर्शाता है कि ये एक कार्टिलेज का लग रहा है क्योंकि जो ए है वो कोलाजन फाइबर है और बी जो है वो एक कॉन्ड्रोसाइड सेल है जैसा हम लोग अभी डायग्राम ने डायग्राम में हम लोगों ने अभी किया है तो ये एक कार्टिलेज का है और ये हम लोगों ने देखा था ये बोन्स का है जो कि ये एक लैमिला है नेक्स्ट हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं ऑप्शन तो फिगर वन हम लोगों ने क्या बोला था वो बोन्स है कि कार्टिलेज है तो वो है एक कार्टिलेज और ये है एक बोन तो पहला ऑप्शन गलत हो गया चूँकि फिगर वन जो है वो कार्टिलेज का है नेक्स्ट देखते हैं फिगर वन कार्टिलेज बोल रहा है, एकदम सही है और सेकंड फिगर क्या बोल रहा है बोन ये भी सही है तो जो ए था वो क्या था वो माइट्रल टिब्यूल था बिल्कुल नहीं इसी से गलत हो गया तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया ऑप्शन बी रॉन्ग सी देखते हैं पहला फिगर क्या था कार्टिलेज का था ऑप्शन बी फिगर बी क्या था बोन का था सही है एकदम सही दोनों जा रहा है अब ऑप्शन फिगर ए में जो फिलिंदा ब्लान्स का ए था वो क्या था वो क्या था वो कोलाजन था सही जा रहा है बी क्या था वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स था तो इसमें कॉन्ड्रो क्लास्ट है इसी में बच्चे गलती करते हैं कॉर्नड्रो साइट लिखा रहता है वो कॉन्ड्रो क्लास्ट लिख दे, देख के सही कर देते हैं तो यहाँ से रॉन्ग हो गया तो अब बचता है ऑप्शन डी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल थ्री कैरेक्टर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है इसका परसेंटेज इसका फंक्शन ये एम्स ट्वेल्व में पूछा गया था इस फिगर को क्वेश्चन थर्टीन बिलो द स्किन द फैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्किन के नीचे फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका ही अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी हार्ट इसका ऑप्शन है लिपोप्रोटीन बी एडिपोज टिश्यू सी म्यूकस लेयर लिम्फॉइड टिश्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिपोज टिश्यू ही फैट को स्टोर करता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एडिपोज टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अब इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मास सेल एंड बेजोफिल हिस्टामिन ओके सही है मास सेल आर लॉन्ग लिव्ड बेजोफिल्स आर शॉर्ट लिव्ड ओके सही है मास देन बेजोफिल्स विद अ बिलो न्यूक्लियस गलत है मास सेल्स आर रिलेटिवली सोसाई तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट चलते हैं द टाइप ऑफ फाइबर्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं सो कोलाजन फाइबर इलास्टिक फाइबर रेटिकुलर फाइबर्स और ऑल द अबव तो करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव नेक्स्ट चलते हैं ये भी एक डायग्राम बेस्ड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली तो हम लोग को फिगर ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है तो ये हम लोगों ने देखा था ये डेंस रेगुलर था ये एक अच्छा बच्चा था जो सारे काम अच्छे से करता था और पैरलली करता था मींस uh, सही टाइम में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बनाता था और ये एक ऐसा ये एक बदमाश बच्चा था जो कोई भी काम पैरल ही नहीं करता था इसका ओरिएंटेशन ख़राब था ये एक डेंस इ रेगुलर था मीन्स ये इ रेगुलर बच्चा था ठीक तो है तो इसके ऑप्शन क्या हैं तो कनेक्टिव टिशू प्रॉपर इसमें बताया जा रहा है कि फिगर वन कनेक्टिव टिश्यू है हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू तो है और ऑप्शन बी बताया जा रहा है ये एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है नहीं ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है अब ऑप्शन बी बताया जा रहा है ये एक एडिपोज टिश्यू है नहीं ये एडिपोज टिशू तो नहीं है बी बताया जा रहा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है सी डेंस इज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसको सीधे पलट दिया गया है ऑप्शन ए को इज रेगुलर बताया गया है ऑप्शन बी को रेगुलर बताया गया है तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत लास्ट बचता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सो इसके करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट चलते हैं ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवनटी गिवन इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसमें कोई एक डायग्राम दिया गया है आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल्ड ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शंस अबाउट दैम तो चलिए हम लोग भी इस डायग्राम को अच्छे से करते हैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यस yes. अब हम लोग करते हैं ये क्या था ये माइक्रोफाज था ये क्या था ये फाइब्रोब्लास्ट था, था ये क्या था ये कोलाजन फाइबर्स था और ये था मास्ट सेल अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है सो पार्ट ए हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने देखा था मैक्रोफाजस सही है ऑप्शन बी में क्या देखा था फाइब्रोब्लास्ट ये भी सही है ऑप्शन सी कोलेजन फाइबर ये भी सही था और डी मास्ट सेल ये ऑप्शन सही है बट स्टिल फॉर आर कन्वीनियंस वी शुड सी द नेक्स्ट ऑल्सो सो ऑप्शन बी में क्या है मास्ट सेल इसी से पता चलता है ये गलत हो गया है ऑप्शन सी में पहला मैक्रोफास्ट दिया सही है कोलेजन फाइबर बी में था नहीं वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट था इसी से गलत हो गया ऑप्शन डी मास सेल इसी से गलत हो गया सो करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एटीन मोस्ट ऑफ द सेल इन एरियोलर टिश्योट एरियोलर टिश्यू में बहुत सारे सेल्स कैसे होते हैं किस प्रकार के होते हैं क्या होते हैं ऐसे पूछा गया है तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं माइक्रोफाज होते हैं मास सेल होते हैं ऑल द अबव सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द अबव इसमें सभी प्रकार के होते हैं फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं माइक्रोफाज भी होते हैं मास सेल भी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टियोसाइट इज अ कनेक्टिव टिश्यू सेल द फंक्शन ऑफ विच इज़ हिस्टियोसाइट ए कनेक्टिव टिश्यू है जिसका क्या फंक्शन है इसका फंक्शन है फेगोसाइटिक नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ लिगामेंट किससे बना होता है लिगामेंट इज मेनली अप ऑफ रेटिक्यूलिन इलास्टिन मायोसिन कोलाजिन करेक्ट आंसर होगा इसका कोलाजिन नेक्स्ट चलते हैं द लोकलाइज इंफॉर्मेट्री रिस्पॉन्स एपियर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग रेडनेस स्पेलिंग पेन्स एंड ही ड्यू टू सर्टन केमिकल दे आर जो इन्फर्मेटरी रिस्पॉन्स जैस जो अपेयर होता है इन्फेक्शन के साइड में जैसे रेडनेस स्वेलिंग पेंस हीट वो किस कैमिकल के रिस्पॉन्स में होता है ऑप्शंस हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंड सैरोमन एन म्यूकस हिस्टामन सेरमेन प्रोस्टागैंड सेरोमन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्टामीन प्रोस्टाग्लैंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ट्वेंटी टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड मम्मीज़ आर स्टिल इन दियर कंडीशन एज दे वर बिकॉज़ ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ जो हजारों साल पुरानी मम्मी है वो आज भी उसी तरह से हैं जैसे वो पहले थी वो किस किस नॉन डिस्ट्रक्टेबल uh, चीज़ के कारण है ऑप्शन सार येलो इलास्टिन फाइबर वाइट इलास्टिन फाइबर गुलास्ट फाइबर वेंस करेक्ट आंसर है येलो इलास्टिन फाइबर नेक्स्ट चलते हैं वाइट एडिपोस्ट टिशू कंटेन्स मल्टीलोक्युलर फ़ैट बायोलोक्यूलर फ़ैट यूनी लोक्युलर फ़ैट एलो एलोक्युलर फ़ैट तो द करेक्ट आंसर इज़ यूनी लोक्युलर फ़ैट अब यहाँ पर भी एक डाइग्राम दिया गया है द गिवन डाइग्राम इज ऑफ एडिपोज टिशू आइडेंटिफाई द मार्क्ल्फ़ाबेट अब हम लोग को इसमें फिलिंग द ब्लैक्स करना है मीन्स आइडेंटिफाई करना है हम लोग को कि ये क्या है तो पहला हम लोगों ने देखा था कि ये एक फैट स्टोरेज एरिया था फैट स्टोरेज एरिया हाँ तो पहला हम लोगों ने देखा था कि एक फ़ैट स्टोरेज एरिया था ये एक न्यूक्लियस था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं पहला है फैट स्टोरेज एरिया सही बी न्यूक्लियस सही और सी सेल मेम्ब्रेन सही तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं डिबॉवस मेम्ब्रेन इज अ लेयर ऑफ डिबॉस मेम्ब्रेन कहा किसका लेयर है मस्कुलर टिश्यूज एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल द अबव तो ये ऑल द अबव है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं विच अमंग द फॉलविंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ येलो फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिशू येलो फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये इलास्टिन कंटेन करता है सही फ्यूअर इन नंबर सही स्ट्रेट एंड ब्रांच सही प्रोवाइड टफनेस एंड स्ट्रेंथ गलत अकर सिंगली सो करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट विच व फॉलोइंग इज नॉट अ फेब्रीलर प्रोटीन इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो फेब्रीलर प्रोटीन नहीं है ऑप्शन सा इलास्टिन कोलाजिन मायोसिन एंड एल्बियोमन करेक्ट आंसर एल्बियोमन नेक्स्ट चलते हैं विट्रियस ह्यूमर विट्रियस ह्यूमर इज ह्यूमर क्या है वो एक इट इज अ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू सॉलिड क्रिस्टलाइन वाटरी फ्लूड ऑल द अब ये एक म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन विच ऑफ दिज इज इफ नॉट फाउंड कनेक्टिव टिश्यू ये एक बेसमेंट ऑप्शन हाइरोनिक एसिड बेसमेंट मेमरेइन कोलाजन फाइबर फ्लुइड करेक्ट आंसर है बेसमेंट मेमरेन नेक्स्ट विद दिस वी एंड टू द एम सी क्यू सीरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड वी एंडेड द टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू इन दिस वीडियो वी हैव डन द थ्योरी पार्ट एन सीआरटी अंडरलाइन डाइग्राम plus mcq and with this we end to the topic of connective tissues thank you so much if you like this video please do subscribe share and and if you have any doubt please ask in the comment section below thank you stay safe stay healthy and and study hard